सुबह हो या शाम, खाना हो कुछ चटपटा और बनाना भी हो आसान, साथ ही हेल्दी भी हो और झटपट बन जाए, तो ये मसाला भिंडी फ्राई आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग लगता है। सबसे पहले हमें चाहिए भिंडी, जिसे मैंने धुल के अच्छे से छोटे छोटे कट करके इसे धूप में 1 से 2 घंटे के लिए सुखा लिया था। अगर आपको शाम को स्नैक्स बनाना है तो आप मॉर्निंग में ही ये प्रोसेस कर लीजिए, तो आपका काम इजी हो जाएगा। उसके बाद हमें मसाले चाहिए, जिसमें मैंने 3 चम्मच चने का बेसन, 1 चम्मच सूजी और आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और हल्दी, स्वादानुसार नमक। इसके अलावा आप और भी मसाले डाल सकते हो जो आपको पसंद है, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। मैंने बिल्कुल बेसिक सा मसाला लिया है, इससे भी टेस्ट अच्छा लगता है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप ज़रूर ऐड करना, क्योंकि मैं इसे एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और 1 चम्मच सरसों का तेल, यहाँ पे आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच दही भी डाल सकते हो, या तो नींबू भी निचोड़ सकते हो। अभी ये बैटर जो है थोड़ा ड्राई है, तो पहले हम इसे मिक्स करेंगे, फिर अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी से डालेंगे, क्योंकि ये घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ और हमें ये स्नैक्स थोड़ा क्रिस्पी बनाना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको तेल डालना पड़ेगा, तो मैं हेल्दी तरह से बनाने की कोशिश की हूँ। तो अभी ये हमारा घोल रेडी है, आप चाहे तो इसे 2 मिनट के लिए साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे भिंडी को मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रखूँगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। तो देखिए इतना ही सूखा चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखना अगर एयर फ्रायर में बना रहे हो, और आपको ये भिंडी थोड़ी कुरकुरी चाहिए खाने में। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो आप थोड़ा सा बेसन मिला सकते हो। तो अभी मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, और इसे साइड में मैंने रखा था 2 से 3 मिनट के लिए, तो अभी ये सब मिक्स हो चुका है अच्छे से, मसाले भिंडी के अंदर तक घुस गए हैं। और अभी हम इसे एयर फ्रायर में बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है और इस तरह से इसे फैला लेंगे। कोशिश करिए कि ज़्यादा चिपके ना रहे, तो सिंगल ही लेयर रहे। यहाँ पे आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं, उससे आपका काम इजी हो जाता है, लेकिन बिना बटर पेपर के मैं किस तरह से बनाई हूँ वो भी आपको बताऊँगी। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे एयर फ्रायर मोड पे 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे एक साइड से कुक कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे बटर पेपर नहीं लगाया है, तो इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही पलटेंगे, क्योंकि ये जाली में चिपक चुका है। अगर आप बटर पेपर लगाते हो तो वो आपका काम इजी हो जाएगा। तो देखिए 1 मिनट के बाद ये इजली निकल जा रहा है। और मैंने तेल भी नहीं लगाया था फ्रेंड्स, फिर भी देखिए आसानी से निकल गया। और दोनों साइड से 10-10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है क्रिस्प होने तक। एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ही क्रिस्पी है ये। आप देख सकते हो, तो बनाइए खाइए। आप इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।